बड़ी खबर आ रही है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। श्री रविनाथ रमन सचिव विद्यालय शिक्षा ने बुधवार को बहादुराबाद विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवावाला, आंगनवाड़ी केंद्र ग्राम पंचायत जसवावाला और राजकीय जूनियर हाईस्कूल रोशनाबाद का निरीक्षण किया। सचिव विद्यालय शिक्षा श्री रविनाथ रमन सबसे पहले बहादुराबाद विकासखंड के राजकीय प्राथमिक विद्यालय जसवावाला पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही वे प्रधानाध्यापक के कक्ष में गए, जहाँ उन्होंने वहाँ उपस्थित प्रधानाध्यापक से प्राथमिक विद्यालय में कुल कितने बच्चे हैं, कितने अध्यापक हैं, मध्याह्न भोजन तैयार करने के लिए कितनी भोजन माताएं हैं आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी ली, जिस पर प्रधानाध्यापक ने बताया कि विद्यालय में कुल 127 बच्चे अध्ययनरत हैं। उन्होंने वहां हाजिरी रजिस्टर सहित विद्यालय से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों का गहराई से जांच परख किया। इस दौरान विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया कि वर्ष 1959 से लेकर अब तक जितने भी विद्यार्थियों ने यहाँ अध्ययन किया उनका पूरा रिकॉर्ड हमारे पास उपलब्ध है। जो स्कूल में जो पढ़ाई लिखाई का जो स्तर है और जो वहाँ के जो सरकार द्वारा जो भी स्कीमें चलाई जा रही हैं उसका धरातल पर उसका क्रियान्वयन कैसे हो रहा है, उसकी गुणवत्ता क्या है, इसको देखने के लिए आज ये निरीक्षण है और औचक निरीक्षण नहीं है, ये बताया गया था कि आज आकर देखेंगे तो इसलिए। लेकिन जो स्कूल में जो डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर, खास करके जो इन्होंने जो प्रिंसिपल हैं यहाँ पर चौहान जी, इन्होंने सारा जो डॉक्यूमेंटेशन किया है, अलग अलग रजिस्टर्स बनाए हैं सारे हैं, वो तो खैर केवल इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं किए जा सकते, वो काफ़ी वेल मेंटेन्ड और काफ़ी उन्होंने अच्छे से किया है। जो पेरेंट टीचर एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनसे भी फीडबैक लिया है, तो ओवरऑल जो देखने से लग रहा है स्कूल का जो पठन पाठन है उसका स्तर बहुत अच्छा है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई अच्छी हो रही है। मिड डे मील्स हैं जो यहाँ पे जो पोषण अभियान में हम खाना बच्चों को देते हैं उसका स्तर अच्छा है। स्कूल में साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, टॉयलेट वॉयलेट्स यहाँ पर काफ़ी अच्छे वेल मेंटेन्ड हैं और स्मार्ट क्लास का भी निरीक्षण किया गया, स्मार्ट क्लास में भी जो बच्चों की पढ़ाई है बहुत अच्छी हो रही है। लगभग कितने स्कूल का निरीक्षण किया गया आपके द्वारा? नहीं, आज ये पहला स्कूल है, अभी इसके बाद में एक दूसरा स्कूल है रोशनाबाद में, वहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ, फिर उसके बाद में जो विभागीय अधिकारी उनके साथ एक बैठक। अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।